तुमने गीता में ये बात खुद बताई, जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ। तू तो जगतपति जगन्नाथ है ना, इसलिए तुमने बंसुरी बजाई, तुमने हमें बुलाई, सब कुछ तुमने की। और जब हम आ गए, बोले आए हो अच्छी बात है, जंगल की शोभा देखो और वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। इतने में जब गोपियों ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया, बोले देखो कृष्णा, तुमने कितने सुंदर सुंदर हमें ज्ञान की बात बताया। जिनसे ज्ञान मिलता वो होता है गुरु, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, बोले प्रथम तो गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्जनम कुर्वन् सिद्धि माप्नोति जनता निष्फलम भवे। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊ, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। भगवान कौन है, कृष्ण बंदे जगत गुरु। भगवान विश्व ब्रह्मांड का गुरु कौन है, भगवान कृष्ण ही है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय हो। गोपियों ने इतने सुंदर सुंदर उन्होंने आंसर उत्तर दिया ना, कृष्ण को चुप कर दिया, कृष्ण चुप हो गए। इतने में कृष्ण खुश हो गए, खुश हो करके भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे हैं। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, हाँ दो दो कृष्ण एक एक गोपी, और दो दो गोपी एक एक कृष्ण। भगवान जब रास कर रहे थे, अभी कोई गोपी एक हाथ में काजल पहन करके आई थी, कृष्ण उसको दूसरे हाथ में पहना दिए, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधने को गले में पहन ली थी, ठाकुर जी ठीक से श्रृंगार कर दी, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी, ठाकुर जी पूरे कपड़ा पहना दिया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई श्रृंगार कर सकता है तो कौन श्रृंगार कर सकता है, ठाकुर ही हमें सजा सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब रासलीला कर रहे थे, कभी कभी कृष्ण बोलते जब पसीना निकले ना, कृष्ण अपना दोपटा लेकर के पसीना भी पोंछ रहे थे। कृष्ण कभी कभी बोलती थी गोपियां थक गई हो, थोड़ी प्यार दबा दो। कृष्ण इतने उनकी प्रशंसा कर रहे थे, इतने चापुरासी कर रहे थे। देखो माताओं को अंदर में एक दुर्गुण भी है, जानते हो क्या दुर्गुण है, अगर पति किसी स्त्री को बहुत ज्यादा प्रेम करे ना, पर पत्नी क्या करती है, पति के सर पर चढ़ बैठती है, बोले हमारे बगैर इनकी काम नहीं चले। अभी तो गोपियों के अंदर में सौभाग्य मदा हो गया, बोले क्यों, ये गोपियां देख रही थी कृष्ण हमारे पास में, ये नहीं देख रही थी कृष्ण हर गोपियों के पास में भी है, लेकिन अकेली राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है, और कृष्ण सबके पास में भी। कृष्ण कौन देख रही थी, ये राधा रानी केवल देख रही थी। इतने में गोपियों ने मन मन में इनके अभिमान आया, हमें राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम राधा रानी के बगैर हम पूर्ण नहीं। इतने में कृष्ण ने देखा इनकी अंदर में तो राधा रानी के प्रति त्यक्त भावना आ गई, रासेश्वरी तो राधा रानी रासेश्वरी, राधा रानी के बगैर रास कहाँ है, वही तो रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी को ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जरूरत नहीं, ये इनके अंदर में स्वतंत्र नायिका भावना आ गई, हम ही पूर्ण है। कृष्ण ने देखा इनके अभिमान को ही, देखो भजन करते करते अगर किसके अंदर में अभिमान आ जाए ना, ये अभिमान बहुत गंदी चीज है। इसलिए भगवान इनके अभिमान को तोड़ने के लिए और राधा रानी को मान को बनाने के लिए, राधा रानी जब देखी कृष्ण सबके साथ में, कृष्ण मेरे साथ में, फिर मेरा क्या महत्व है, इतने में राधा रानी भी मान करके चली गई। इतने में कृष्ण चंद्र समस्त गोपियों को त्याग दी और राधा रानी को ढूंढने के लिए चले गए। जब राधा रानी को ढूंढने जा रहे थे, इतने में बोले देखो एक काम करो, कृष्ण कुंज में गए, कुंज में जा करके कृष्ण अपना रूप बदला दिया, एक श्यामा सखी बन गए। बोले एक काम करो, हम दो दो हो करके कृष्ण को ढूंढने जाते हैं। और कृष्ण ने किया क्या, राधा रानी को पकड़ लिए, और राधा रानी पहचान नहीं पाई कोई गोपी ना गोप है, और कृष्ण राधा रानी को लेकर कुंज में गए और जा करके सुंदर फूलों की माला बनाई, राधा रानी को चोटी को श्रृंगार की, और बड़े सुंदर राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार कर रहे थे, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया श्रृंगार पट। अभी भी वो वृंदावन में वो स्थान है जिसका नाम श्रृंगार पट है। देखे हो कोई वृंदावन गए नहीं, देखेंगे ना,
देखो हम लोग भारत में जन्म हुए ना बड़े भाग्य से, कि जो वृंदावन धाम पृथ्वी में और कहीं नहीं है, विदेश में नहीं भारत में है। अभी देखा ना जो अंग्रेजी लोग अभी वृंदावन में जाओ, कितने अंग्रेजी अपना देश को छोड़ करके वृंदावन में बास कर रहे हैं। बड़े भाग्य से वृंदावन में बास मिलता है। अयोध्या वृंदावन और कहीं नहीं, हम लोग बड़े भाग्यवान है। जीवन में जरूर वृंदावन जानी चाहिए। कौन जाना चाहते हाथ उठा, सब चलो। यहाँ के भक्त लोग तो बड़े अच्छे हैं, सब वृंदावन जाने के लिए। देखो मैंने पहले बताया था ना, वहां पर हमारी की परिक्रमा चलती है। अगर बेस से संपूर्ण 84 क्रोश को परिक्रमा करो, 84 क्रोश परिक्रमा करने से हम जो ठाकुर जी को भूल करके ये 84 लक्ष्य जोड़ी भ्रमण करते हैं, एक बार अगर 84 क्रोश ब्रज धाम कोई परिक्रमा करे तो 84 लक्ष्य जोड़ी खत्म हो सकती है और उसको भटकना नहीं पड़ेगा, बड़ा महत्व। लेकिन उसको परिक्रमा चल करके कोई परिक्रमा करेगा ना, 1.5 महीना लगता है, 1.5 महीना लगती है। चल चल करके दिन में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलोगे। लेकिन हमारी मंदिर से एक छोटी परिक्रमा निकलती है जो 8-9 दिन में वो परिक्रमा पूरी हो जाती है। लेकिन 8-9 दिन तक आपको गाड़ी में ही परिक्रमा करना है। गाड़ी में परिक्रमा करोगे तो 8-9 दिन में पूरी हो जाएगी। हमारी सरोजनी दीदी यहाँ पर बैठी है, अगर किसकी इच्छा होगा ना हम इनसे बात करेंगे। अगर जो आना चाहते हो 8-10 दिन के लिए आओ, आ करके पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा करके आ जाना, ठीक है। और वहां पर जैसे इधर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है ना, वहां पर पृथ्वी का ऐसे कोई तीर्थ नहीं जहां पर तीर्थ नहीं ब्रज में। इसलिए वहां पर रसखान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के खेली कुछ कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। वृंदावन धाम कोई परिक्रमा कर लिया तो कहते विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा हो जाते, सारे तीर्थ वहीं पर है। अगर जिसकी इच्छा होगी परिक्रमा के लिए, माता जी से संपर्क करना। ये कार्तिक को एकदम समाप्त होते थोड़ा ठंडी पड़ जाती है, अच्छा रहता है, गर्मी नहीं रहती है, फिर वो 8-10 दिन के लिए परिक्रमा होता है। जिसकी इच्छा आप इनसे संबंध करना, फिर ये माता जी अब सबको ले आएगी, ठीक है। ब्रज वृंदावन धाम की हो। इतने में ब्रज गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रहे थे, लता पता पेड़ पौधा सबको पूछ रहे थे, हमारी श्याम सुंदर कहीं देखे हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहे थे। इतने में पृथ्वी के ऊपर नजर पड़ी है, पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा कन्हैया कहीं है कहां पर। इतने में हठात देखा कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ, कृष्ण का चरण सब सेवा करते हैं, पहचान गए ये तो कन्हैया का चरण चिन्ह है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी चरण चिन्ह है। लेकिन देखो गोपियां तीन तरह के हैं, एक सौपक्य एक विपक्य और एक तटस्थ। ये चीज को समझो, कुछ गोपियां हैं जो केवल राधा रानी की जो पक्ष में है, कुछ गोपियां जो कृष्ण को ही मानने वाले, लेकिन कुछ गोपियां राधा कृष्ण दोनों को मानने वाले। लेकिन जब राधा जी के पक्ष में जो गोपियां हैं, राधा जी की चरण की सेवा करते हैं, उनको पता राधा रानी के चरण में क्या चिन्ह है, उसको तो देख करके बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। बोले देखो यद्यपि सब सब गोपियां कहती हैं कृष्ण हमें प्रेम प्रेम कहते हैं, लेकिन देखो देखो तो सही कृष्ण किसको लेकर गए हैं। कृष्ण सबको छोड़ करके केवल हमारी श्री किशोर जी को लेकर गए, राधा जी को लेकर गए हैं। इसलिए वो बड़े प्रसन्न होकर के बोले श्रीमती राधा रानी की जय, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना, देखा दोनों चरणों के बीच में जो चरण चिन्ह है ही नहीं। बोले भैया चरण चिन्ह कहाँ गए। फिर तीसरी गोपी कहती है, बोले ये तो हृदय में और भी पीड़ा देने वाली। बोले क्यों। बोले कृष्ण का चरण देखो थोड़ी ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब क्या। बोले कृष्ण उसको गोद में लेकर गए, ठाकुर जिसको गोद में लेकर गए, ऐसे बात करते 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 जा रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा गोपियां, कृष्ण ने कहा हे राधे,
ये गोपियां तो पास में आ गई, अगर इनको पता चलेगा मैं तुम्हें अकेले लेकर के आया ना, फिर इनके अंदर में भी मान आ जाएगी। लेकिन इसको बाद में फिर महाराज हमें करना है, ये महाराज नहीं हो पाएगा, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। राधा रानी बोली मैं चल नहीं पा रही हूँ, जैसे मेरे को उठा करके ले आए थे ना इसे उठा करके ले जाओ। बोले राधा रानी कैसे की बोली, राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, ये सखियां कौन है, राधा जी की एक एक भाव ही ये एक एक गोपी धारण थी। बोले मैं अकेली कृष्ण को लेकर के आनंद ले रही हूँ, लेकिन मेरी जो कायव्य हो जो स्वरूप है वो तो दुखी हो रही है, ये मेरी अच्छी काम मैंने नहीं की। इसलिए राधा रानी सोच रही है अगर मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाऊँ ना, इतने में कृष्ण मेरे को मनाएंगे, फिर गोपी आ जाएगी, फिर हम महाराज करेंगे। इतने में कृष्ण राधा रानी बोले मेरे को यहाँ से उठा करके ले जाओ। बोले कंधे पर बैठो, बोले कंधे पर बैठाओ, बाहर जो बैठाने के लिए गई कृष्ण उनसे अंतर ध्यान हो गई, अंतर ध्यान हो गए तो वहीं पर राधा रानी हा कृष्ण करते करते वहीं बेहोश हो गई। अरे गोपियां आकर के उनको होश को दिलवाए, बोले हे राधे तेरे को भी श्याम सुंदर छोड़कर चले गए। बोले हाँ मेरे को भी छोड़कर चले गए। बोले काम कर लो, कृष्ण खुद कहते हैं कीर्तन सबसे बड़ा प्यारा है, मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा मिनार। दुनिया कहते हैं मैं वैकुंठ में रहता हूँ, भगवान कहते नहीं, कोई कहते मैं जोगियों का हृदय में, बोले नहीं। बोले कहाँ रहते हो, बोले जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं, रहता ठाकुर का कीर्तन बड़ा प्यारा। चलो कहाँ करेंगे, बोले यमुना किनारा। बोले यमुना किनारा में क्यों करेंगे, बोले ये यमुना है वो कोई नदी नहीं, ये विशाखा स्वरूप है। कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होता है ये यमुना रूप में बह रही है। कहते ये ब्रह्म द्रव गात्रम, ब्रह्म स्वयं प्रेम रूप धारण करते हुए यमुना रूप धारण की है, हैं? इसलिए यमुना कोई साधारण नदी नहीं जो जीव को भगवान से मिलाती है। और एक समय ये यमुना ने राधा कृष्ण को मिलन कराया। देखो ध्यान से सुनो कैसे मिलन कराया। बोले एक समय, अच्छे तरह सुन लो, बोले एक समय राधा रानी कृष्ण से बोले हे श्याम सुंदर मैं मान करती हूँ आप मेरे को मना दो। बोले हाँ, बोले एक बार आप भी मान करो मैं भी आपको मनाऊंगा। इतने में कृष्ण बोले थोड़ी पुरुषों मान करते, स्त्री तो मान करती है स्त्रियां, पुरुषों लोग मनाती हैं। बोले आप एक बार मान करो ना, मैं आपके एक बार मैं मनाऊंगी। इतने में कृष्ण तो मुंह को मोड़ कर बैठ गए। इतने में राधा रानी मनाना शुरू की, लेकिन किसी तरह से कृष्ण का मान ही नहीं दूर हो। देखो अगर कोई सचमुच से सोया हुआ व्यक्ति को आप जगा सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति जान बूझ करके सोया हुआ आप जगा सकते हो, जगा सकते हो कि नहीं जगा सकते, मान का तो कोई कारण नहीं। इतने में राधा रानी मनाते मनाते थक गई। बोले मैं क्यों बताया मान करो, कृष्ण का मान ही नहीं कर रहा। इतने में यमुना जी बोले मैं तो चुटकी बजाते इनकी मान उतार दूंगी। बोले कर दोगे, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले देखो कैसे मान मनाते। इतने में यमुना को, यमुना की एक नाम काली थी, वो देखने में कृष्ण का रंग जैसे, एकदम कृष्ण का रंग जैसे काली थी, बड़ी सुंदर है। आप देखना एक पुरुष को श्रृंगार करो, एक लड़की को आप पुरुष बनाओ ना, आप देखोगे पुरुष से ज्यादा सुंदर लड़की लगती है। इतने में यमुना जी बड़ी सुंदर चोटी, बड़ी सुंदर मयूर मुकुट पहने, बड़े सुंदर पीताम्बर पहन करके, और बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार, उसने कालिंदी ने श्रृंगार की, इतने सुंदर उसने कृष्ण का रूप धारण की। जब कालिंदी निकली कृष्ण रूप धारण करते हुए, जितने गोपियां थी रूप देखकर मुग्ध हो गई। बोले अरे कृष्ण भी मुग्ध हो गए, बोले ये कौन है, क्या हम जमज संतान जन्म लिए थे मैया में, मेरे पास में छुपाई, ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर लग रही है कृष्ण जैसे। जितने गोपियां थी ना राधा रानी, असली कृष्ण को छोड़कर नकली कृष्ण को पीछे भाग गई। कृष्ण बोले भैया ये क्या हो गया, मेरे को तो छोड़ दिए सबके सब, ये कौन कहां से आ गई। इतने में कृष्ण गए और श्री कालिंदी को बोले, बोले तुम कौन हो, बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले तुम भी कृष्ण मैं भी कृष्ण, बोले हाँ दोनों कृष्ण है।
बोले हम दोनों गले में मिलते हैं। इतने में कृष्ण जब कालिंदी की गले मिले है ना, देखा भैया ये कौन है, ये कृष्ण नहीं, ये कालिंदी ने, यमुना देवी ने ये कृष्ण रूप धारण किया। इतने में कृष्ण महान उसकी भंग हो गया। इसलिए ये कालिंदी ने किया कि राधा कृष्ण को दुर्गल मुलायम कराए थे। इसलिए जब यमुना देवी की कृपा होना तभी कृष्ण हमें प्राप्त होते हैं। बोले श्री यमुना पटरानी की जय। इसलिए यमुना किनारा में बैठ कर के गीत गाए जिसका नाम है गोपी गीत। ये गोपी गीत में इतने शक्ति है। देखो आप लोग घर में भी अलग अलग सब पाठ करते होंगे, अलग अलग देवा देवियों को पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन जहां पर ये गोपी गीत गाओगे ना, बांके बिहारी वहां रह नहीं सकते, उनको वहां प्रकट होना ही पड़ेगा। इतने शक्ति है गोपी गीत में। अगर आप चाहते हो तुम्हारी घर वृंदावन बने, तुम्हारी घर वृंदावन बने, रोज घर में ही गोपी गीत को रोज गाया करो। और जहां पर ये गोपी गीत गाओगे कन्या, वहीं पर प्रकट हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसका दो श्लोक हम पढ़ लेते हैं। बोले जय दीत धिका Oh.
देखो ये गोपी गीत में कृष्ण क्यों खुश होते हैं, रहस्य समझो। एक श्लोक का हमारे टीकाकरण ने दो अर्थ किया, एक तो भगवान को स्तुति पर कहे और दूसरे है ताना मारते हुए। जैसे पत्नी ने पति को बोला मेरे को इसे एक सोने की गहना ला दो अलंकार, पति ने बोल दिया ठीक है ला दूंगा, लेकिन टाइम पर पति ने अलंकार नहीं दे पाए, नहीं तो साड़ी नहीं दे पाए। पत्नी क्या बोलती है, बोले वाह कितने बढ़िया आपने अलंकार दिया है, मैं रोज पहन रही हूँ, ओ कितने सुंदर तुमने साड़ी पहना है। देखना कभी कभी ताना मारते हुए पत्नी पति को बात करती है, लेकिन ऊपर में तो ताना है लेकिन अंदर में बड़ा कष्ट। इसलिए एक एक श्लोक में ना दो दो अर्थ है, एक साधारण अर्थ है, गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम्हारी कथा कैसे है, बोले तब कथा अमृतम, जो तुम्हारी ये कथा को पान करेगा जगत में अमरत्व को प्राप्त करेगा, एक अर्थ। देखो दूसरा अर्थ ताना मारते हुए गोपियां कहती है कौन कहता है कृष्ण कथा अमृत, बोले खबरदार कृष्ण कथा मत सुना करो, जो सुनेगा वो मरेगा, क्योंकि एक बार को काला रंग चढ़ी जाए ना बड़े चढ़े ना दूजा रंग। एक बार अगर कृष्ण की कथा जो सुन लिया, कृष्ण की भक्ति कर लिया, बस हो गया उसको, पर दुनिया में उसका मन कहीं नहीं लगता है, कृष्ण को छोड़कर और कहीं मन उसकी लगती नहीं। इसलिए दूसरे तरह के तो बोले भैया कौन कहता है अमृत नहीं अमृत है, जो सुनेगा वो मरेगा कृष्ण कथा को। इसलिए तप्त जीवन, एक अर्थ है कृष्ण कथा सुनने पर संसार का जितने दुख कष्ट है समस्त दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। गोपियां दूसरे तरफ में कहते कौन कहता है तप्त जीवन ठंडा हो जाता है, जो कृष्ण कथा सुनेगा ना उसका हृदय में कृष्ण के प्रति विरह आ जाएगा। जैसे आप लोगों देखो भागवत कथा में आई ना भागवत कथा होता है मन नहीं लगता है घर में, चलो भागवत कथा में चलो भागवत कथा में चलो, भागवत शुरू हो गया। कृष्ण कथा में हृदय क्या होता है, कृष्ण के प्रति मन भागता रहता है। इसलिए एक तरफ में तो कृष्ण को स्तुति है, दूसरे तरफ में गोपियां ताना मार रही है गोपी को। इसलिए पत्नी जब पति को थोड़ी ताना मारती है ना, लेकिन ऊपर से पति बड़ा खुश होता है, ऊपर से खुश होता है। इसलिए कृष्ण गोपी गीत में प्रसन्न होकर क्या हुए, बोले असाद आभिभूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर की साक्षात मनमत मनमत। इसको सुन करके कृष्ण रह नहीं सके, एकदम ब्रज गोपियों के बीच में कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण के नया लाल की जय हो। जब ठाकुर जी प्रकट हुए गोपियों ने उनका अपना चुंदरी को उतार करके कृष्ण को बैठा, और बैठा करके गोपियों ने प्रश्न करते हैं। देखो आप लोग ध्यान सुनो, बोले जगत में तीन तरह के लोग है। बोले एक तरह के लोग है जिसको भजन करने पर जो भजन करता है, दूसरे तरह का लोग है करो नहीं करो तभी भजन करता है, तीसरे तरह का लोग है करो और मत करो जिसको साथ में इसका कोई संबंध नहीं। इतने में गोपियां कृष्ण को बांधना चाह रहे हैं अपना प्रेम में, बोले कन्हैया बताओ ये तीनों में तुम कौन हो। देखो कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, बोले देखो गोपियों जो भजन करने पर भजन करते वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। जैसे दुकान में गए 100 रुपया लेकर गए, 100 रुपया दिया और 100 रुपया का सामान लेकर गए, वहां पर कोई प्रीति नहीं, कहती ये बढ़िया है। दूसरे तरह का होते हैं करो नहीं करो तभी करते हैं, बोले कौन है, बोले ये पिता माता है। कौन है, मेरे तरफ में देखो उधर क्या देख रहे सब, वो पिता माता है। बोले पिता माता कैसे है, देखो पिता माता के हृदय इतने महान हैं, बच्चे भले ही जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए लेकिन पिता माता क्या सोचते, लाला मेरो, क्योंकि 9 महीना तक गर्भ में धारण किए ना, प्रसव पीड़ा को सहने की, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को उसने खिलाई, भले ही बच्चे जितने नालायक नहीं हो लेकिन पिता माता का हृदय कभी बच्चे से दूर नहीं रहता, नहीं बच्चा मेरो लाला है, लाला मेरो है। इतने पिता माता के हृदय हैं, करे नहीं करे तभी करते हैं, कौन ये पिता माता करते हैं, हैं? देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया हम कभी भी पिता माता की ऋणी से कभी हम उर्णी नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं,
ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, पिता माता की हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, बोले प्रातः उठाए रघुनाथा, भगवान सवेरे उठकर क्या करते, प्रात उठाई रघुनाथा और मात प्रीत गुरु नमई माथा, ठाकुर प्रणाम करते हैं ना, इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छो, नहीं तो सास ससुर के सर्व चरण छो, किसके चरण छोएंगे, कोई करते कि नहीं। अरे भागवत कथा से देखना लेकर के जाओ, पहले मैंने बताया था ना, जब हम बुजुर्ग लोगों को प्रणाम करते हैं हृदय से स्वाभाविक रूप में हृदय से आशीर्वाद निकलता है, पिता माता की आशीर्वाद इतना बड़ा आशीर्वाद है, अगर भाग्य में अगर उल्टा पुल्टा चीज लिखा हुआ वो सही कर देता है, इतने लाभ है पिता माता की सेवा करना, ठीक है ना। क्या करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए और सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, अरे बोलो, मैंने पहले बताया था ना, माने एक व्यक्ति का दो बेटे हो, एक बहू सास की बड़ी सेवा करती है, घर का सोना चांदी किसको पास में, सारे संपत्ति सास को पास में, जब बंटवारा होएगी जो बहू ज्यादा सेवा करेगी सास को उसको ज्यादा देगी, छुपा करके दे देगी, इसलिए भैया सास ससुर की सेवा करने में लाभ है। हाँ देखो, और एक चीज समझो, अब बुरा मत समझो, बोले एक समय क्या हुआ, अब देखना कभी कभी सास बोल में थोड़ी लड़ाई हो जाती कि नहीं, सास बोल में कभी लड़ाई हो जाती है, एक बार सास बोल में लड़ाई हो गई तो बहू नाराज होकर के वो चली गई पियर, अपना बेटे को बोले, उसको पति को बोले, देख जब तक तुम अपना माँ को साथ में रहोगे मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा, मैं तो अपना पियर जा रही, अभी वो पियर चली गई, अभी बेटा तो बीच में फंस गया, जब फंस गया इतने में बेटा ने आ करके बोलता है अपना माँ को, बोले देख माँ तू मेरे को गर्भ में धारण की, जन्म दिया, खिलाया पिलाया, बोले हाँ, बोले देखो तुमने जन्म से लेकर के अभी तक तुमने मेरे पीछे जितने पैसा तुमने खर्चा की है तुमने हिसाब करके बोल दो, वो पैसा मैं दे देता हूँ तेरे को, और मैं अपना बीवी को लेकर के पत्नी को लेकर के मैं रहूंगा। सास तो बड़ी चिंता में पड़ गई, बेटा क्या कहता है, जन्म से लेकर के अभी तक मेरे पीछे जितने पैसा हिसाब करके दे देगी कभी तुम अलग रहोगी। माँ तो चिंता में पड़ गई, मैया बोली देखो मैं तो पुराना समय की माँ इतना लिखी बड़ी है नहीं, मेरे को थोड़ा हिसाब लगाने में थोड़ा समय लगा, बोले एक महीना दे रहा हूँ कोई बात नहीं, ठंडा का समय था, बच्चा सो रहा था, ध्यान देकर सुनो जितने बहू हैं, इसलिए अभी ठंडा का समय था, बेटा सो रहा था, इतने में उसकी माँ ने एक लोटे में पानी लाई, एक पानी लेकर के ना एक तरफ में डाल, वो तो गहरा नींद में सो रहा था, इतने में करवट ले लिया, उसको पता नहीं चला, जब करवट लिया थोड़ी देरी बाद में दूसरे तरफ में लोटे की पानी डाल दी, फिर तीसरा बार करवट, चौथा बार जो पानी डाली इतने में उसको नींद खुल गई, देखा माँ ने पानी डाल रही है, बोले मेरे को क्यों परेशानी कर रहे हो, मैं सो रहा हूँ तुमको दिख नहीं रहा है, मैं सो रहा हूँ पानी डालते जा रही हो, बोले बेटा तुमने बताया था ना जन्म से लेकर के अभी तक मेरे पीछे जो पैसा लगाया उसका हिसाब बताओ, मैं केवल एक रात का हिसाब में लगा रही, क्या कर रही थी, एक रात का हिसाब में लगा रही थी। आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए हो, आप देखना बच्चा रात भर कभी कभी रोता है, माँ को सोने नहीं देती, कभी बच्चा कभी टाटी पेशाब कर देती है, भैया क्या करती है स्वयं गिल्ली में सो करके बच्चे को सुखा में सुलाती है, कितना रात मुंह की खाना निकाल कर पिलाती है, बोले देख बेटा मैं एक रात का हिसाब लगा रही थी तेरे लिए, मैंने कितना रात सोई नहीं, तेरे को पता है कितना रात मैंने सोई नहीं, बच्चा का जो बुद्धि ना ठिकाना पर आ गया, उसका बुद्धि सही हो गई, उठ करके माँ के चरण पर नीचे गिर पड़ी, बोले भैया मेरे अपराध को माफ कर दो, माफ कर दो, मैं और कभी ऐसे नहीं करूंगा, जिंदगी भर तेरी मैं सेवा करूंगा जिंदगी भर, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया सासों के लिए, ये बहुएं के लिए, सासों के लिए सुन कितना सास है, कभी कभी देखो ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ में नहीं बजती, लेकिन सास ने सास को अपना बहू को बहू रूप में नहीं देखनी चाहिए, किस रूप में देखनी चाहिए,
बेटी रूप में, और बेटी को सास को किस रूप में देखनी चाहिए, मां रूप में। बस लड़ाई, लेकिन देखो सास क्या करती है, कितना गड़बड़ी करती है। क्यों सास बहू में लड़ाई होती है, कमी कुछ सास में, बोले क्या सच कमी है, कोई बढ़िया से बढ़िया साड़ी हो, बढ़िया बढ़िया चीज हो, बहू को नहीं देगी, किसके लिए देगी, बेटी के लिए, और बेटी के लिए भेज देगी, भैया तुम जो नानी बनोगे, तुम बहू की वजह से नानी बनोगे ना, बेटी की वजह से नानी बनोगे, तुम्हारी जो पीढ़ी चलेगी बेटी से पीढ़ी चलेगी ना बहू से पीढ़ी चलेगी, अरे बोलो किससे पीढ़ी चलेगी तुम्हारी, बहू से। लेकिन सास क्या करती है, वो बहू को बेटी रूप में नहीं, वो बेटी के लिए तो छुपा छुपा करके भेजते रहेगी, लेकिन ये बहू के लिए कुछ नहीं करती, तभी तो लड़ाई झगड़ा होती है ना, नहीं। इसलिए जैसे बेटी के लिए करती हो, जैसे बाहर जाओ थोड़ा दही बड़ा ले आओ, कभी कभी थोड़ा घोल गप्पे, किस लिए, बहू के लिए ले आओ, बाहर कहीं जाते हो कोई बढ़िया चीज अगर बहू के लिए ले आओ ना, बहू क्या सोचेगी, देखो ये मेरे अपना बेटी जैसे मेरे को देख लेगी, अरे बहू क्या करेगी, फिर तो मां जैसे देखेगी ना, अरे सास जैसे नहीं देखेगी। ये जितने गड़बड़ी है ना, दोनों तरफ से गड़बड़ी होती है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से गड़बड़ी होती है। इसलिए भागवत कथा से इतना लेकर के जाओ, जितने सास हैं अपना बहू को बेटी रूप में देखो, और जो बेटियां सास को किस रूप में देखे, माँ के रूप में, बस लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, भले कौन है जो करे नहीं करे तभी करते हैं, भले पिता माता, ये पिता माता इसे, इसलिए जिनके ऋणी से कभी हम उर्णी बन ही नहीं सकते, इसलिए सवेरे क्या करो, ठाकुर क्या सिखा देते हैं, सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुआ करो, सास ससुर की चरण छुआ, बस सब लड़ाई खत्म हो जाएगी। और जो जो तीसरा तरह का जो बताए करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं, बल्कि वो चार तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही और अकीर्तज्ञ। बोले कन्हैया लगता है तू गुरुद्रोही अकीर्तज्ञ हो, तुमने हमें बंसुरी बजा करके बुलाई आधा रात में, और एक महीना से बोल रहा था, निमंत्रण दिया रास में आओ और रास में आओ, लेकिन हमें अंधकार रात में, हम स्त्रियां, तुम हमें बुलाया और तुम छोड़कर कहां चले गए। इतने में कृष्ण समझाए, बोले देखो प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन है एक विरह है, लेकिन मिलन से तो ऊपर ऊपर से मिलते हैं, लेकिन विरह से अंदर अंदर से मिलते हैं। इसलिए गोपियां मैं कभी तुम लोगों को छोड़ा नहीं, मैं तो तुम्हारे बीच में बैठी करके, तुम मेरे को जो कीर्तन कर रही थी, ताना मार रहे थे, मैं सुन रही थी। इसलिए केवल जगत में तुम्हारी प्रेम को जगत में मैं दिखाना चाहता था, इसलिए छोड़ा, लेकिन तत्व तब मैंने तुमको कभी छोड़ा नहीं। गोपियां खुश हो गई, फिर उन्होंने ठाकुर जी महाराज उन्होंने की, हे समस्त देवता भी आ गए, श्री भोले बाबा भी गोपीश्वर महादेव बन करके आए, बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। जब शंकर जी बंसी ध्वनि सुने वो भी उतर करके आए, लेकिन जोग माया बोले नहीं, कृष्ण पुरुष सब स्त्री, तुम्हें स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। शंकर जी ब्रह्म कुंड में स्नान करके गोपी रूप धारण किया और उनको ईशान कोण में बैठा दिया। कृष्ण बोले आज मुझे आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आया है। तब गोपियों ने देखा श्री शंकर जी वहां पर बैठे हुए, कृष्ण ने कहा शंकर जी तुम कैसे आए, बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि पहुंचा कहां पर, कैलाश में, मेरे मन में भी इच्छा हुई मैं भी तेरे साथ तेरे नृत्य करवा तेरे रास दर्शन करूं। बोले शंकर जी देखो ध्यान देकर सुनो, बोले शंकर जी आप ऊपर में तो गोपी रूप धारण किए, लेकिन हृदय में तुम्हारी गोपी भाव नहीं। देखो ये गोपियां कितने बड़ी है, स्वयं देव देव महादेव जोगी जोगी महादेव भी भगवान की रास में प्रवेश नहीं कर पाए। शंकर जी अभी वृंदावन में द्वारपाल रूप में चौकीदारी की काम कर रहे। बोले अगर कोई वृंदावन में आए यहाँ तुम चौकीदारी बनो, तुम्हारी आदेश के बगैर रास में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अभी भी वृंदावन में जाओगे, शंकर जी दिन में तो शिवलिंग के दर्शन है, जब शाम होगा ना शंकर जी गोपी रूप में उनको श्रृंगार की जाती है। इसलिए मिया में है वृंदावन जाकर के जरूर श्री गोपीश्वर महादेव का दर्शन करनी चाहिए, उनको दर्शन किए बगैर वृंदावन जाने का फल हमें नहीं मिलता है।
बोला श्री गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राम। एक रास का भजन सुन लो। देखो आज ही कथा की अंतिम दिन है। आज जो व्यक्ति अंतिम दिन समय तक कथा सुनेगा ना, ये 7 दिन का फल पूरा मिलेगा। आधा में जाओगे तो फिर आधा फल मिलेगा। आज लास्ट दिन है ना, देखो कहीं सिनेमा देखने के लिए जाओ तो 3-4 घंटा बैठते भी नहीं। अरे भगवान की कथा, इसलिए मत जाया करो। कम से कम आज का दिन हम जितने जल्दी हो सके कथा को हम विश्राम देने के लिए कोशिश करेंगे। और जो कल है, कल यहाँ पर हवन हुई। देखो ये जो हवन हुई ना, ये साधारण हवन नहीं है, साधारण यज्ञ नहीं, जिसमें भगवान नरसिंह देव का मंत्र पढ़ के आहुति देंगे, जिसमें नारायण कवच पढ़ी जाएगी। ये नारायण कवच क्या है? जब इंद्र के ऊपर विपत्ति आई ना, ये इंद्र ये नारायण कवच को पढ़ करके विपत्ति से मुक्ति मिली। मतलब वो अगर कोई उसमें आहुति दे, जीवन में जो विपत्ति वो विपत्ति टल जाएगी। उसमें नरसिंह देव का मंत्र से आहुति देंगे। नरसिंह देव का मंत्र क्या है? जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन उसको भगवान ने रक्षा की है। इसलिए अगर किसका ग्रह दोष हो ना, कोई बोलते ना हमारी काल सर्प दोष, अमुक दोष, अमुक दोष, अमुक दोष है, वो यज्ञ में आहुति देने से समस्त दोष खत्म हो जाएगी। इसलिए कल जब आप लोग आओ है यहाँ पर, कोशिश कर 10 बजे यज्ञ करने के लिए थोड़ा हवन सामग्री ले आना। थोड़ी सी घी, अच्छी घी लेकर करना, झूठा घी नहीं। थोड़ी अच्छी घी हो तो झूठा घी नहीं हो, हवन सामग्री अगर हो तो लेकर के आओ, नहीं तो ये लोग तो व्यवस्था करेंगे। ले आओगे तो अच्छा होगा, आप लोग भी इसमें आहुति दे सकते हो। और उसको बाद में फिर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है? इसलिए कल सबके सब आना, और आज कोई जाना नहीं। थोड़ी समय हम और आधा घंटा में सारी कथा को हम विश्राम दे देंगे, जल्दी जल्दी आपको छुट्टी कर देंगे, ठीक है? प्रभु जी नाम पेपर कौन सा? अरे मोर बनाएगा लो, फटाफट गाओ जल्दी जल्दी। कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्यामी संगी राधा नाचे रे, श्यामी संगी राधा नाचे रे, श्यामी संगी राधा
को राधिका मोरे पुती आई सखी मोरे पुती आई रक्त मयूर के मुने Oh, my God.
Thank you.
बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल। सब सब बैठ जाओ। हरे कृष्णा माता जी बैठ जाओ। हो गया नाचना। हरे कृष्णा। हाँ देखो हम लोग ने ये जो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग ने 7 दिन तक सुनी। कितना दिन तक सुने हो? 7 दिन तक सुने हैं। नियम है क्या बोले भागवत से प्रेम और भगवान की भक्ति और भागवत से अच्छी चीजों को लेकर के जाओ। बोले भैया गंदी चीज क्या है? भागवत में 4 चीज गंदी बताई। जहां पर श्री परीक्षित महाराज ये कली को 4 जगह प्रस्थान दे दिया। हमें 4 चीज को छोड़नी चाहिए। पहला नंबर क्या है? बोले जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ गंदी चीज है। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, इन्होंने अपना जीवन में शिक्षा दिया। देखो ये जुआ खेल करके मेरे कितना सत्यानाश हो गए। राज्य गया, भाई गए, फिर भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा, 1 साल तक अज्ञात वास हमने किया। अगर कोई जुआ खेलेगा तो इतना नीचे तक व्यक्ति आ सकते हैं। इसलिए धर्म का पहला चरण है, सत्य है। जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, झूठ को पर झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा चीज है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए। बल जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने से हमारी जीवन का तपस्या नष्ट हो जाती है। जो तीसरे चीज है ध्यान देकर सुना मेरे तरफ में, माताएं सब इधर उधर देखने लग जाती है। कोई एक माताएं खड़ी हो जाए तो सब कथा देखना भूल जाते सुनना, जैसे किसको देखे नहीं जीतेगी। हरे कृष्णा। जो तीसरी चीज है स्त्रियों, कहते स्त्रियों के ऊपर में कली का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्री है? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों का संग करते हैं वहां पर कली का निवास है। संसार करो, अपना घर गृहस्थ निभाओ, लेकिन धर्म पूर्वक अपना धर्म पत्नी को साथ में हमें घर गृहस्थी को निभानी चाहिए। इसको करने से जीवन में पवित्रता को नष्ट हो जाती है। और जो चौथा जो चीज है कहते जीव हिंसा। कहते जितने पापों में सबसे जो बड़ा पाप बताया ये जीव हिंसा। इसलिए कभी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जीव हिंसा क्या है? जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन, ये सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? पहले मैंने बहुत बात बताया। ये जो मांस है, ये मांस का मतलब क्या है? बोले मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा, इसलिए इसका नाम मांस। अंग्रेजी में क्या बोलते? बोले मीट। क्या बोलते हैं? मीट मतलब क्या? मी ईट। उसका उल्टा तो क्या होगा? ईट मी, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं फिर हमें बाद में जो फिर हमें खाएगा, इसलिए मीट है। इसलिए पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है। इसलिए कभी भी ये जीव हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया। इसलिए भागवत में एक कथा आती है, एक राजा थे जिनका नाम था सुरथ। ये यज्ञ में पशु बलि देते थे। एक दिन नारद जी मिले, बोले क्या कर रहे हो? बोले पशुओं को का यज्ञ में बलि देकर खाता हूँ। बोले इसका फल जानते हो? बोले क्या फल है? बोले अभी तुमको दिखाता हूँ। दिखा दिया साथ साथ कमंडल से मंत्र पुत्र करके पानी जब छिड़का छिड़काव कराए, देखा जमदूत उसको गले में रस्सी डालकर ले जा रहे थे और जितने जानवर को उसने मारा था देखा सबके सब खड़गा लेकर के तलवार लेकर के लाइन में खड़े हुए। बोले तुम कौन हो?
बोले याद है पहले जन्म में तुमने हमें खाया था, अब इसका प्रतिशोध लेने के लिए हम खड़े हुए। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो। बोले जब हमें खाया था, बोले पाप अपना पाप को भी नहीं छोड़ता है, इसलिए ये जीव हिंसा से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए ये चार चीज को हमें परित्याग करनी चाहिए। बोले जीवन में चार चीज को हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोले चार चीज क्या ग्रहण करें? बोले पहला नंबर है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी चार निष्ठा हो। पहला निष्ठा ये तुलसी निष्ठा है। हर घर घर में ये तुलसी पौधा हमारे घर में होनी चाहिए। किसको किसको घर में तुलसी पौधा है? यहाँ के सब भक्त लोग बढ़िया है, सब ताली बजा हम लोगों के लिए। घर में तुलसी पौधा रखते हैं, इसलिए भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपने आप में कहाँ रख कर गए? तुलसी में रख कर गए। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले वाक्य भी आई, मतलब क्या? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहां तुलसी का वन हुई है। इसलिए बोले तुलसी कानन जत्र जत्र वृंदावन निचो, जहां पर तुलसी वृक्ष जिनके घर में उसी घर में ठाकुर का निवास है। अब रामायण पढ़े होंगे, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने गए थे क्या देख करके नीचे उतरे? बोले तुलसी बगीचा को देख करके नीचे उतरे। फिर उन्होंने क्या देखा? घर को सामने लिखा हुआ श्री राम भवन। क्या लिखा हुआ था? श्री राम भवन। शिक्षा क्या देते हैं? कभी कभी हम अपना घर का नाम ना अपना नाम पर रख देते हैं। भैया अपना नाम पर घर नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए ठाकुर जी का नाम पर रखनी चाहिए घर को। इसलिए लिखा हुआ था राम भवन लिखा हुआ था हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने किसने चुगली कर दिया किसको? रावण को। बोले रावण तू तो राम का शत्रु मानते हो, लेकिन राम का सबसे बड़े मित्र तो तुम्हारी घर में। बोले कौन? बोले तुम्हारी सगे भैया विभीषण। बोले पता कैसे चला? बोले जाकर देखो घर को सामने क्या लिखा हुआ, श्री राम भवन शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह। शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था हैं, चिन्ह था। इतने में रावण भागते भागते आया, सचमुच से देखा लिखा हुआ श्री राम भवन। बोले विभीषण। बोले भैया क्या बात है? बोले मेरे शत्रु का नाम तुमने कैसे यहाँ लिख दिया? बोले कहाँ पर? बोले क्या लिखे? बोले राम भवन। देखो विभीषण बहुत अच्छी शिक्षा दिया हूं, कैसे प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए। बोले राम भवन कहाँ? बोले क्या लिखा हुआ? बोले मैं अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना, उनका नाम। बोले कैसे? बोले आपका नाम क्या? बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या? बोले रा। बोले भाभी का नाम क्या? बोले मंदोदरी। बोले पहला अक्षर क्या? बोले माँ। श्री राम रावण मंदोदरी भवन बस रावण। यहाँ शिक्षा देते हैं, देखना कभी कभी भगवान की भक्ति करना सारा दुनिया चिढ़ जाते हैं, विरोध हो जाते हैं। इसलिए रावण जैसे व्यक्ति लंका के बीच में रह करके कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए उन्होंने शिक्षा दिया। इसलिए हर घर में तुलसी पौधा देखकर हनुमान जी उतरते, मतलब किया अगर हमारे घर में तुलसी पौधा हो गया तो स्वयं हनुमान जी हमारे घर में उतर करके आ जाएंगे। और जिस घर में तुलसी वृक्ष है उसी घर में ठाकुर का निवास है। देखो हमारी जो वैदिक कल्चर है ना, ऋषि मुनियों ने जो वैदिक कल्चर रखा है, ये सबके सब साइंटिस्ट, उसमें सब साइंटिफिकल कुछ रीजन है। ये मत ऐसे मत समझो, अरे क्या पेड़ में पानी डला किया है, ये पेड़ पूजा करने से क्या होता है, ये गोबर से घर लिपा पोता करने से क्या होता है। भैया इसमें बड़े बड़े साइंस है। देखो आप लोगों को पता होगा हमारे भारत में, बताओ तो कौन सा पेड़ को पूजा करते हैं? बताओ कौन सा पेड़ को पूजा करते हो? एक तो तुलसी पेड़ को पूजा करते हैं, एक पीपल पेड़ को पूजा करते हैं, नीम पेड़ को, इसको पेड़ को पूजा करते हैं ना, पेड़ को पूजा करते हैं ना आंगन में। देखो इसमें क्या साइंस है। देखो आप लोगों को पता होगा दिन में जितने सारे वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन जितने वृक्ष को हिंदू लोग पूजा करते हैं ना, केवल यही वृक्ष ही रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही वृक्ष ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
अभी कोरोना आया था ना, सबसे पहला कोरोना का मेडिसिन किसने निकाला? ये रामदेव बाबा ने निकाला, कोरोना ने निकाला था। आप पढ़ करके देखना 80% उसमें तुलसी। आप दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, देखना इतना बड़ा पेपर मिलेगा। आप उसको पढ़ करके देखना 200 तरह का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। ऐसे कोई बीमार नहीं जो कैंसर तक भी हमने स्वयं देखा है। सारे डॉक्टर जवाब दे दिया। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए तो बोले तुलसी को पीस करके पानी पियो, उससे कैंसर सही हुआ। ऐसे इसलिए जो हम लोग गले में ये जो तुलसी कंठी धारण क्यों करते हैं, जब स्नान को और पुराण कहता है इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, जाने से क्या होगा, जितने बड़े से बड़े बीमारी खत्म हो जाएगी। अब पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में स्नान करने का फल गले में तुलसी कंठी धारण करके जो स्नान करते हैं, भगवान कृष्ण को देखो, राम को देखो, नारायण को देखो, सब गले में तुलसी माला ठाकुर भी पहनते हैं। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्मराक्षस। जब महाराज कहते ना बोले जो भजन नहीं करते पकड़ पकड़ ले आ, बोले कैसे ले आएंगे, पता कैसे चलेगा, बोले देखो उनका अंदर में तीन चिन्ह है, ललाट में तिलक देखो, गले में तुलसी की कंठी देखोगे, भगवान की माला जब करते हुए देखो। इसलिए तुलसी कंठी मतलब जैसे ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगाओ लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं देते ना ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो शरीर है ये पंचरचित, ये अधम शरीर, ये शरीर से गले में तुलसी कंठी नहीं तो ऐसे नहीं ठाकुर को बनाकर रख दिया तो ठाकुर खा लेंगे, तुम्हारी हाथ का कोई भी चीज ठाकुर ग्रहण नहीं करेंगे। गले में अगर तुम्हारी तुलसी कंठी नहीं तो अपवित्र शरीर। इसलिए जब महाराज एक अच्छे उदाहरण दिए बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, एक पालतू और एक फालतू। कैसे पता चलता है ये पालतू और फालतू है? जिनकी गले में पट्टा बंधा हुआ है ना, देखने से पता चलता है भैया किसी घर की कुत्ते ये पालतू है, और जो बिना पट्टे के रोड रोड में घूमते फालतू है। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कंठी है, अगर तुलसी कंठी है हम पालतू है, किसके पालतू है, श्री भाग्य बिहारी ठाकुर के हम पालतू है, भैया हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर गले में तुलसी कंठी नहीं तो फिर हम क्या हो गए, अरे बोलो क्या हो गए, हाँ भैया हमें पालतू बननी चाहिए, फालतू हमें नहीं बननी चाहिए। इसलिए हमारी तुलसी निष्ठा हमारी अंदर में होनी चाहिए। बोले दूसरा निष्ठा क्या है, बोले जो दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। पहले आपको मैंने एकादशी कथा सुनाई थी, आप देखोगे भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, बृहस्पतिवार, कोई व्रत का नाम भागवत में नहीं। भागवत में केवल एक व्रत का नाम आती है, एकादशी व्रत, जिसको नंद बाबा ने जो एकादशी व्रत किए तो कृष्ण स्वयं पुत्र बन करके जिनके घर में आए, क्योंकि उन्होंने पुत्रता एकादशी व्रत किया था। जिसको अंबरीषि महाराज जो एकादशी व्रत अंबरीषि महाराज रखते थे, इसलिए साक्षात भगवान की सुदर्शन चक्र जिनको रखा करता था, इतने महिमा एकादशी व्रत को। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखा करना, ठीक है। उस दिन जैसे अभी नवरात्रि रखते हो, 9 दिन तक तो फल खाते हो ना, वो तो 15 दिन में एक बार खाओगे, 15 दिन में कुट्टू का पकौड़ी बनाकर खा सकते हो, और खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें, खाने के लिए कोई कमी नहीं, फल मूल सब खा सकते हो। 15 दिन में एक एकादशी आएगी, जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं। जैसे कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई अलग अलग व्रत करते हो, वो अलग अलग देवादेवी के लिए है, लेकिन एकादशी व्रत करोगे तो स्वयं भगवान कृष्ण के लिए। अगर भगवान कृष्ण अगर खुश हो गए तो कहते ना, जहां पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए एकादशी निष्ठा। पर जो तीसरी निष्ठा है, कहते हर घर घर में जरूर ठाकुर होनी चाहिए। आप लोग घर में ठाकुर है कि नहीं,
हाँ हर घर में लड्डू गोपाल हो, नहीं तो राम लक्ष्मण जानकी सीता भगवान राम की दरबार हो, इसलिए घर में जरूर ठाकुर जी की मंदिरी हमारी होनी चाहिए। अगर घर में ठाकुर है, ठाकुर को सेवा पूजा हो रही है, घर में ठाकुर खुश है ना, देखना परिवार भी खुश रहेगा। ठाकुर खुश हो गया तो अपनी आप खुश रहोगे। इसलिए हमारे टीका कर एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह सजाओ, बहुत बढ़िया तरह सजाओ, आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे, वो जो शीशा में जो परछाई है वो अपनी आप सज जाती है, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं है। उसी तरह जो मूल कौन बोले लड्डू गोपाल ठाकुर जी कृष्ण है, अगर इनको जो जितने अच्छे तरह से आप सेवा करोगे, इनको स्नान करोगे, इनकी कपड़ा पहनाओगे, इनको बढ़िया से सेवा करोगे ना, देखोगे ठाकुर खुश होंगे तो अपनी आप हम सज जाए। अब ये मत समझना ठाकुर थोड़ी कोई बोल रहे हैं, ठाकुर तो चुपचाप बैठे हुए हैं और थोड़ी बोलते हैं। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ये अयोध्या की कथा ध्यान देकर सुनो। एक समय अयोध्या में एक गुरुजी और एक शिष्य रहते थे, शिष्य भी छोटा बच्चा था, गुरुजी उसका नाम रख दिया रामदास। एक दिन वहां पर राम दरबार था, एक दिन गुरुजी बोले रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए कोई विशेष काम के लिए जाना पड़ेगा, तुम ठाकुर को सेवा कर लोगे? बोले गुरुजी आपका आज्ञा हो तो कर ही लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से श्रृंगार करना, ठाकुर को बढ़िया से भोजन कराना। बोले गुरुजी कोई चिंता मत करो। गुरुजी चले गए, अभी बेटा गया भिक्षा मांग करके लाए, रोटी सब्जी बनाए, ठाकुर को सामने धर दिए। लेकिन वो छोटा बच्चा कभी देखा नहीं गुरुजी कैसे भोजन कराता, वो बच्चा सोच रहा था जैसे हम बैठ करके आसन के ऊपर में भोजन करते हैं ना, ठाकुर भी बैठ करके भोजन करेंगे। जब ठाकुर को सामने रख दिया, बोले ठाकुर जी आओ और बैठो भोजन करो। लेकिन ठाकुर जी आकर के भोजन ही नहीं कर रहे थे, ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे थे। बोले ठाकुर जी गुरु जी बोले अच्छे तरह से सेवा करनी चाहिए, नहीं तो गुरु जी नाराज हो गए। ठाकुर जी आओ, रोज तो गुरु जी को हाथ में भोजन करते थे, क्या मेरे ऊपर नाराज है? आप आकर के बैठो। तभी ठाकुर बैठ कर भोजन नहीं कर रहे। बोले ठाकुर जी यहाँ सरयू नदी बह रही है, अगर आप भोजन नहीं करोगे ना सीधा सरयू में आत्महत्या करोगे। अभी उसने सरयू में आत्महत्या करने के लिए गया, इतने में भगवान राम भीग गए ठाकुर जी। हनुमान जी को बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ बेटा लेकर के आओ। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे, वो छलांग लगाने वाला था, इतने में हनुमान जी पीछे पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे? बोले कर रहे। सचमुच से आकर के देखा स्वयं भगवान राम भोजन कर रहे थे। उसको बाद में माता जानकी भोजन की, फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न, फिर हनुमान जी और बाद में बच्चा ने भोजन की। जब चार पांच दिन गया, इतने में वो बच्चा कहा प्रभु जी को, ठाकुर जी को, बोले ठाकुर जी हमसे इतना हो नहीं पा रहा है, अकेला भिक्षा करने जाओ, फिर लकड़ी लाओ और रसोई बनाओ, फिर अब पत्ता लाओ, मैं अकेला क्या करूंगा? ठाकुर जी बोले बताओ हमें क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो घर के पिता हो, आप इतनी सी काम करो, आप केवल दोना और पत्ते बना देना। बोले ठीक है। मैया सीता बोली बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप तो घर की माँ। बोले माँ क्या करती है? रसोई बनाती है। बोले आप केवल रसोई बनाओ? बोले बेटा मेरा तो यही काम है, 14 साल तक तो मैं यही काम की। लक्ष्मण बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आप थोड़ा जंगल से सूखी लकड़ी ले आना। बोले मैं तो 14 साल के लिए यही काम किया है, मेरे आदत कोई बात नहीं, सूखी लकड़ी ले आऊंगा। इतने में हनुमान जी बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आपको और सारे काम का रखवाली करना, आपका काम। बोले भैया मेरा तो काम यही, वो केवल भिक्षा लेकर के आता है और बड़े सुंदर मैया जानकी बड़ी सुंदर रसोई बनाती है, बढ़िया सेवा बढ़िया चल रहा है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का एक पत्र आया, बोले देख बेटा रामदास मेरे साथ में कुछ संत लोग आ रहे हैं, तुम खाने के लिए एक टाइम की व्यवस्था कर देना, फिर मैं आकर के देख लूंगा। उन्होंने मैया को सीता को बोले गुरु जी का पत्र आए हैं, कुछ संत लोग आ रहे हैं। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, थोड़ी सी ज्यादा तुम भिक्षा लेकर के आ जाओ, मैं रसोई बना दूंगी। उन्होंने पत्र लिख दिया गुरु जी को पास में, गुरु जी कोई चिंता मत करो,
मैया जानकी बोली थोड़ी ज्यादा भिक्षा ले आओ, सब कुछ रोसे में बना दूंगी। लक्ष्मण भैया बड़ी सुंदर 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 लकड़ी ले आते हैं और भगवान राम बड़े सुंदर पत्ता धोने बना देते हैं, बढ़िया सेवा चल रही है, हनुमान जी सब काट कर लेते हैं। गुरु जी बोले पागल ये क्या करे, मैया सीता रोसी बनाती है, लक्ष्मण जी सुखी लकड़ी, उनको तो पता नहीं ना। अभी गुरु जी बड़े चिंता में आए, पता नहीं बेटा क्या क्या होगा। और जब जब गुरु जी आए देखा इतने सारे वहां रोसई, दाल भात सब्जी क्या क्या रोसई बना हुआ, घर भरा पड़ा हुआ। बोले इतने सारे रोसई किसने बनाया, देखा माँ जानकी स्वयं बैठ कर रोसई बना रही। कौन बना रही है, माँ जानकी स्वयं बैठ करके रोसई बना रही थी। जब उन्होंने गुरु जी को देखा है ना, देख करके थोड़ी सी मुस्कुराई और इतने में अंतर्ध्यान हो गई माता। गुरु जी ने कहा बेटा ये सब किया, बोले गुरु जी जब आप चले गए थे ना, मैं ठाकुर को भोजन दिया तो ठाकुर पहले खाए नहीं रहे थे, मैं जब सरज में आत्महत्या करने के लिए गया तभी ठाकुर जी खाए, और मैं दो चार दिन बाद में बोला मैं इतना सेवा नहीं कर सकता हूँ। फिर सब लोग मिल करके करते थे, भैया बड़े सुंदर सुंदर रसोई बनाते थे। ए गुरु जी तो सुनकर गदगद हो गए, बोले बेटा तेरे जैसे चेले को मैं पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है, तेरे जैसे मैं चेले को पा करके। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते, द्रौपदी जैसे बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं ये मत समझो, ठाकुर जी लड्डू गोपाल बैठे हुए कुछ देख ही नहीं रहे, सब देख रहे हैं भैया, सब कुछ देख रहे हैं घर में। इसलिए प्रतिज्ञा लेकर के जाओ, रोज ठाकुर को स्नान कराएंगे। रोज हम स्नान करते कि नहीं, घर में नहाते कि नहीं बताओ, स्नान करते ना, तब जब हम नहाते क्या ठाकुर को नहीं नहानी चाहिए, रोज कपड़ा बदलाते कि नहीं, क्या ठाकुर को 10 दिन 15 दिन से कपड़ा पहना कर बैठा दे कैसे, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं देख लेना जितने सुंदर तुम्हारे घर में ठाकुर को सेवा होगी ना, इतना हम फलते फूलते रहेंगे, इतने बढ़िया सब चलेगा, ठीक है ना। इसलिए जो तीसरा निष्ठा है भगवत निष्ठा, ठाकुर निष्ठा, बोले जो चौथा निष्ठा है भागवत की, देखो ये सबसे बड़ा निष्ठा है, ये नाम निष्ठा, नाम के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि कलियुग में नाम रूप में, कलियुग में कृष्ण अवतार, भगवान कलियुग में किस रूप में आए, बोले भगवान अपना नाम रूप में आए। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में दिख जाए भगवान के नाम जप करनी चाहिए। पहले हमने बताया था ना, जब भगवान को निमंत्रण दिया भक्तों ने महाप्रभु को, महाप्रभु बोले सबको घर में भजन नहीं करूंगा, बोले किसको घर में भजन करोगे, बोले जो लखपति बनेगा। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। ऐसे 5.5 साल पहले महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए जरूर हरि नाम हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। बताऊं क्या करना, सवेरे उठ करके कल कथा सुना रहे थे ना प्रभु, 10% देनी चाहिए, कितना देनी चाहिए, कल कथा सुना रहे थे ना 10% कथा, 10% मतलब पैसा नहीं, ठाकुर जी हमें पैसा नहीं मांगते हैं, समय चाहते हैं, 10% भगवान को दो,
दुनिया के लिए जब इतना दे रहे हैं, ठाकुर के लिए भी थोड़ा समय हमें देना चाहिए। सवेर उठ करके नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? हरिनाम खुद करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ। किसको हरिनाम कराओगे? अरे बोलो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ। जिस घर में बच्चे भजन करते हैं ना, वही घर ही भगवान का धाम है, वही घर ही भगवान की धाम। घर में नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? जब तक अपना बच्चे को एक माला नहीं करवाओ ना, तब तक बोलो भोजन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अरे बोलो जोर से। हाँ, नियम बनाओ। आप लोग बोलोगे, इधर देखो, ध्यान देकर सुनो, दो मिनट। आप बोलोगे बच्चे बात नहीं सुनते। आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो, जोर जबरदस्ती भेजते कि नहीं? बच्चा स्कूल जाना चाहता है, बचपन में नहीं जाना चाहता है, लेकिन यहाँ बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। बोले बेटा जाओ पढ़ो। क्यों? जानते हैं पढ़ाई का अगर कुछ भी नहीं। जब जोर जबरदस्ती बच्चे को स्कूल भेज सकते हो, क्या हम बच्चे को 10 मिनट नहीं बोल सकते बेटा हरिनाम करो? देखो ध्यान देकर सुनो। हमने ये सुना है कि जो उत्तरांचल में जो लोग आए हैं ना, ध्यान देकर सुनो, जिनके ऊपर में मुसलमान में जब अत्याचार हुई है, अत्याचार जब इनकी हुई, ये ब्राह्मण लोग अपना धर्म को रक्षा करने के लिए, अपना बेटी बहुओं को इज्जतों को बचाने के लिए आकर छुपे, यहाँ पर आकर के छुपे इधर इस तरफ में। अगर हम बच्चे को अभी सावधान नहीं करेंगे, देखो आप लोग हिंदू है, आप देखना, हम तो दिल्ली में रहते हैं, शुक्रवार का दिन छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान उनको टोपी पहना करके जोर जबरदस्त ले जाते हैं, ले करके वहां पर रोड बंद कर देते हैं और उनको नमाज पढ़ाते हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, क्या पढ़ाते हैं? नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को। आप किसी भी मुसलमान, मैंने कहीं कथा करने के लिए गया था, वहां पर देखा है कि 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा भैया तुम्हारी नाम क्या? वो नाम से पता चला मुसलमान है। मैंने कहा तुमको कुरान आती है? वो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। और इधर सुनो, कथा सुनना, फटो ले रहे हो, इधर कथा सुनो। इसलिए उन्होंने झटाझट कुरान पुराना सुनना ये कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र में कुरान पढ़ाया जाता है? वो कह रहा है मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कितने साल में? कितने साल में? 2 साल में कंपलसरी पढ़ाया जाता है। आप किसी मुसलमान को कुरान के बारे में पूछो, बोलना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे हिंदू लोगों को पूछो, गीता का कोई श्लोक याद है? रामायण का कोई चौपाई याद है? लेकिन इनको पूछो कौन हीरो का नाम किया है, कौन हीरोइन का नाम, देखना सारे याद हो। देखो भैया, देखो अब हम सीरियस रूप में बोल रहा हूँ, ये बात को ये सीरियस रूप में बोल रहे हैं। अगर ये मुसलमान को क्यों अपना धर्म का प्रति इतना निष्ठा है, कारण है उनको बचपन में कंपलसरी कुरान पढ़ाते हैं। उनको शुक्रवार का दिन मस्जिद जाना पड़ेगा। हमारे कोई हिंदू लोग कोई जाते हो मंदिर में? बोलो कोई जाते हो? कोई? तभी हमारी धर्म धीरे 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 नीचे आ रहा है। इसलिए क्या करो? हरिनाम करो, खुद करो। पहला गुरु पिता माता है। अगर पिता माता अगर भजन करेंगे, बच्चे को ऊपर में वो संस्कार पड़ेगा, बच्चे भी हरिनाम करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? इसलिए क्या करो, बच्चों को भी बोलो भैया गीता का एक श्लोक पढ़ करके जाओ, नहीं तो रामायण का एक चौपाई पढ़ करके जाओ। कल बोल रहा था ना, जब हमारे बड़े गुरु जी को बोले बच्चे बात नहीं सुनते, गुरु जी क्या बोले? बोले रामायण पढ़ते हो कभी? बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ाएगा नहीं, वही कहीं तो दुर्दशा होगा। कहाँ पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? रामायण कहता है प्रात उठ रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई नाथा। ये रामायण कहता है, हैं? भगवान राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अरे बोलो कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। अब अपना बेटे को बोलो बेटा 14 दिन के लिए हमारी आदेश को पालन करने के लिए जाएगा तुम्हारी बेटा? 14 दिन के लिए तो हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन दोष किसकी? ये पिता माता की दोष है। हम स्वयं भजन नहीं करते हैं, बच्चों को अंदर में क्या सिखाएंगे? जब खुद हरिनाम नहीं करेंगे
गीता रामायण नहीं पढ़ेंगे, दिन भर टीवी देखते रहेंगे, स्मार्टफोन चलाते रहेंगे, बच्चों को मेरा संस्कार क्या पड़ेगा? इसलिए क्या करो, देखो हम लोग संत है ना, हम आपसे लेने के लिए देने के लिए आए हैं, हम यही चीज देने के लिए आए, हमारी सनातन धर्म को जागृत करने के लिए आए। घर घर में भगवान की नाम हो, भगवान की भजन हो, और घर घर क्या हो जाए, भगवान की धाम बन जाए घर घर, इसलिए हम लोग आप लोगों के पास में आए हैं, ठीक है ना। कुछ भक्त लोग तो कल माला लेकर गए, जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, लास्ट में एक एक माला ले जाओ, खुद भी जप करो, बच्चों को भी जप कराओ, बच्चों को अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, वो संस्कार पड़ेगा तो आप लोगों का फल मिलेगा, वो आपकी सेवा करेंगे, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार आप लोग बोलो, एक बार मैं सुनूंगा, एक बार आप लोग बोलो जोर से, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, अभी कथा को हम विश्राम करने जा रहे हैं। देखो आप लोगों ने सात सात दिन तक आए, ये भागवत कथा आप लोगों ने सुनी है, ये भागवत को बताया, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब सात दिन तक अगर कोई सही सही कथा सुने, जो 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 मांगता है भागवत उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, जो निर्धन है उन्हें धन प्रदान करती है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करती है, जो रोगी उसे निरोग प्रदान करते हैं, और अंतिम में क्या प्रदान करती है, भगवान की सेवा, भगवान की प्रेम और भगवान की भक्ति दे करके भागवत ये जीवन को ठाकुर जी की चरण में पहुंचा देती है। इसलिए आप लोगों ने सात सात दिन तक ये भागवत कथा सुने, घर में बैठ करके, कोई एसी में बैठे रहते, कोई आनंद में बैठते रहते, लेकिन घर का सारे सुख सुविधा छोड़कर यहाँ पर आए हो आप लोग, जो कथा सुनने के लिए आए आप लोग, सब परीक्षित हो, कौन हो, परीक्षित है। अगर सब कुछ यहाँ सजा दिया जाता मैं भी आ जाता, लेकिन अगर आप लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते फिर ये कथा क्या हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसलिए कथा में सबसे ज्यादा जो महत्व है जो कथा सुनने के लिए आए, इसलिए आप लोग के लिए ताली जोर से बजाओ, जोर से ताली हो जाओ। कम से कम आप लोगों ने, आप लोग आए तभी तो हम कथा सुनाने का हमें मौका मिला, नहीं तो मौका कहाँ से मिलना। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आपको सबको सुख शांति दे, ठाकुर जी आपको प्रेम दे, भक्ति दे, आप लोग संसार में खूब आनंद में रहो, ठीक है। और ये कथा में, और हमारे जो साथ में जो भैया लोग आए हैं, हमारे हेमंत प्रभु जी बड़े सुंदर क्यासी बजाते हैं, और कोयली जैसे है, इनकी कीर्तन कोयली जैसे है, और हमारे जो डोरीलाल जी जो बैठे थे, अभी जो भजन सुना रहे थे हमको, मोर बना आए हैं, ये भी कलाकार, ये भी बड़े अच्छे कलाकार, इनका आकाशवाणी में अगर खोलोगे तो इनका भजन आता है, हाँ ये आकाशवाणी इनके भजन आती है। इसलिए ये लोग, और हमारे श्री जो मृदंग बजा रहे थे, हमारे ये सुधा भैया, और हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी, आप लोग बड़े सुंदर हैं, इन लोगों ने बड़े आनंद दिया है, अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और इन्हीं कथा में हमारे यहाँ जो बैठे हुए गौर सुंदर प्रभु जी, ये भी कल बच्चों को भी अच्छी अच्छी बात सुना रहे थे, अब बता रहे थे ना, ये ऑटो कंपनी में नौकरी करके 1.5 लाख रुपया की तनख्वाह थी, और सख्त भी इंजीनियर था, लेकिन जगत में हमारी सनातन धर्म जगत में प्रचार हो, दुनिया में भक्ति धर्म प्रचार हो, इसलिए उन्होंने सारे नौकरी छोड़ छाड़ कर उन्होंने ये भक्ति में जयन किया है। और आप उनको, इन्होंने भी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाई, और यंग बच्चों को, अभी धीरे धीरे हमारे बच्चे जो अंग्रेजी संस्कृत की तरफ में भाग रहे हैं, कैसे उनको बचा करके वास्तविक रूप में आनंद, हमारी जो वैदिक संस्कृति, ऋषि मुनियों का संस्कृति, ये बच्चों को धीरे धीरे उनको इसी विषय पर बच्चों को अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताते हैं। और हमारी कथा में श्री हमारे जो पंडित जी यहाँ पर बैठे, और हमारे यहाँ पर दूसरे भैया और तीसरे भैया है,
ये लोग भी बड़े सुंदर पीछे पीछे हमारी पूजा सेवा की, इनके लिए भी ताली बजाओ। अरे हमारे श्री माइकी वाले भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी माइकी है, हम जैसे बोले उन्होंने वैसे ही उन्होंने चलाया है, इनके लिए भी अच्छे ताली बजाओ, नहीं तो हम इतना कहाँ बोल सकते थे। अरे हमारे बीच में हमारे श्री राधा रमन हमारे गोस्वाई के गोस्वाई बन सके, अरे ये भी भागवत कथा सुना दे, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु को भी इन्होंने कथा की थी, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी गौड़ीय संप्रदाय में अपना अपना संप्रदाय में प्रभु जी, क्या नाम है आपका, क्या नाम है हाँ सत्संग भारद्वाज जी, प्रभु जी इनके लिए भी ताली बजाओ, हम इनसे प्रार्थना करेंगे अभी यहाँ पर महापुरुष का भक्ति प्रचार करें, धीरे धीरे हमारी भक्ति धर्म धीरे धीरे बड़े जगत में, आप सब मिलजुल करके महाप्रभु हम एक ही संप्रदाय के महाप्रभु धारा के, हम एक ही परिवार के, इसलिए इनका जन्म इधर है, हम चाहेंगे कि सर्वत्र ही हरि नाम हरि कीर्तन को जगत में प्रचार हो, ये प्रसार करें। और भैया लोग हमारे लिए बड़े सुंदर, उन्होंने जो प्रसाद बनाए, टेंट को जो सजाए, और विशेष करके ये जो रामनगर के जो भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मैं बहुत सारे स्थान पर गया, लेकिन आप लोग के अंदर में जैसे भक्ति की भावना है स्वाभाविक रूप में, क्योंकि देवभूमि है ना, देवभूमि है, स्थान का प्रभाव, फिर यहाँ पर रामनगर और यहाँ पर सीता बनी, फिर यहाँ पर है नैनीताल है जहाँ पर माता जी की आंख नयन गिरी है, इसलिए हर दृष्टिकोण से ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान है, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, इसलिए आप लोग के लिए ताली बजाओ जो यहाँ पर रामनगर में जो जन्म हुए। भैया इधर आओ, हाँ अब माइक ले लो। हाँ कुछ लोगों ने ये जो भागवत कथा हुई, कुछ लोगों ने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से मदद की है, इसलिए ये कथा इतने सुष्ट रूप में हो पाई, इसलिए प्रभु जी आपको सुनाएंगे, कुछ कुछ भक्तों ने विशेष मदद किया।